हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज एक बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट क्या है, मतलब बस फॉर्म आउट हो गया है, ठीक है, यूएससी नेट का। उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसमें बहुत सारे कुछ चेंजेज है जो हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। जैसे ये जो नोटिस है, ये ऑफकोर्स कल ही आया हुआ, 20 अप्रैल को। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 20 अप्रैल को ये नोटिस आया हुआ है। और सबसे बड़ा बात क्या है कि ये जो तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है, ये कितने सब्जेक्ट में होने वाला है? 83 सब्जेक्ट में होने वाला है। और जो बाकी सब, तो तुम लोग को दिख रहा होगा कि जो एग्जाम हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट यूनिवर्सिटी द टास्क ऑफ कंडक्टिंग विच इज टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल फॉर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। पहले तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए है, ठीक है। और उसके बाद जरा ध्यान दो, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। और दूसरा क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ जो है तुम्हारे पास एडमिशन टू पीएचडी को लेके भी है, राइट। नया नोटिस आया था, ठीक है। तुम लोग को आई होप कि पता होगा कि ये नया फिर से रूल यहाँ पे चेंज हुआ है। तो एडमिशन टू पीएचडी इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, ठीक है, इन दोनों के लिए एग्जाम होने वाला है। और जो एग्जाम होगा वो पता है एनटीए लेता है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। 83 सब्जेक्ट में होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो एग्जाम है वो ओएमआर में होने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन नहीं होने वाला है। फिर से क्या हो जाएगा, ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे एग्जाम क्या होगा, ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो पता नहीं ऐसा क्यों रखा गया, बट ठीक है, इस बार चेंजेज हुआ है। इस बार बहुत ज्यादा चेंजेज हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजेज दिखा है इस बार एनटीए और यूजीसी की तरफ से। अभी देखो, एग्जाम का जो डेट है तुम्हारे पास, जो अप्लाई करने का वो डेट है, वो 20 से स्टार्ट है, 20 अप्रैल से 10 मई तक, ठीक है। नेक्स्ट मंथ 10 मई तक स्टार्ट है। 20 डेज का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। 11:50 PM के पहले कर लेना है। और लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एग्जाम फी का जो लास्ट डेट दिया हुआ है 11 तारीख दिया हुआ है, 11 से 12 तक कर देना है। और करेक्शन का दिया हुआ है 13 तारीख का डेट, ठीक है। और एग्जाम कब होने वाला है, तो एग्जाम का डेट फिक्स हो गया, डेट इज 16 जून, ठीक है। एग्जाम कब होने वाला है, 16 जून को। एडमिट कार्ड वगैरह कुछ दिन पहले आएगा, जैसा होता है एज ऑलवेज, ठीक है, वैसे होने वाला है। और भी कुछ चेक करना हो तो वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हो क्या होता है नहीं होता है। फीस वगैरह का देख लो यहाँ पे, जनरल का कितना दिया हुआ है, 1150 ओबीसी का 600 रुपया, और जो SC ST या जो भी थर्ड जेंडर है उसके लिए 325 रुपया का यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये है सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे, तो फिलहाल यही है कि एग्जाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑफलाइन होगा, ठीक है। एग्जाम क्या होगा तुम्हारे पास यहाँ पे, ठीक है, ऑफलाइन होने वाला है, जैसे पहले होता था वैसा ही, ठीक है। तो चेंजेज तो है यहाँ पे, काफी चेंजेज है, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम ले रहा है, ठीक है, पेन पेपर के बेसिस पे एग्जाम होगा, तो चेंजेज तो है। चलो आगे देखते हैं, अगर और कोई न्यूज है यहाँ पे तो, ठीक है। अभी तक तो दो तीन चीज दिख गया यहाँ पे। इसके बाद क्या है, कैंडिडेट कैन अप्लाई यूएससी नेट थ्रू ऑनलाइन मोड। हाँ, जो अप्लाई है वो ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए कोई दूसरा चीज नहीं है। और जो चीज तुम लोगों को, आई थिंक बाकी सारे न्यूज पहले से ही पता होगा, ठीक है। कैंडिडेट विल एक ही फॉर्म भरना है, एक से ज्यादा फॉर्म नहीं भरना है। उसके बाद तुम्हारे पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एक अच्छा सा वैलिड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ठीक है, ताकि तुम फॉर्म भर सको। और जो भी फोटो और ये सब का प्रॉब्लम आता है, ये सब हो जाएगा, ठीक है, इसे बड़ी बात नहीं है, कर लोगे एक बार हुआ तो। चलो तो ये था आज का अपडेट, ठीक है। और कुछ नया नहीं है, जो भी सब कुछ है वो पुराना ही है। अगर किसी को और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है, कि इसके बारे में ये है। चलो ठीक है, और अगले नोटिस के लिए अगर अच्छा लग रहा हो, ठीक है, अपडेट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाला जो भी नोटिस आएगा यूजीसी की तरफ से आता है या कोई भी हायर लेवल में आएगा, तो उसके बारे में पता चल सके, ठीक है। चलो आज के लिए इतना, थैंक यू एवरीवन।